अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसके मुताबिक ये HP स्पेक्ट्रा X360 कन्वर्टेबल लैपटॉप है। इस पर यह है कि इस पर चाय गिरी है, चाय गिरने की वजह से ये ऑफ़ कर दिया था। ऑफ़ करने के बाद इसको चेक करने के लिए इसको खोलेंगे कैसे है, जो भी है वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने जो मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे चैनल को पसंद किया और अपने कमेंट्स में अपने फॉल्ट्स वगैरह मुझसे शेयर किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें अब देखते हैं इस वीडियो में आगे, इस लैपटॉप को खोलते हैं। इसकी बैक कवर के ये 1, 2, 3, 4 पेज हैं जो मैंने खोल, ये मैं इसके ये पट्टी इसके ऊपर लगी होती है, ये मैं उतारूंगा। उतारने के बाद इसके पेज इसके नीचे लग जाते हैं। ये दूसरी स्टेप भी मैं उतार लूँगा, उसके फिर नीचे ये पेज जो लगे हुए हैं, इन पेजों को हमने खोल लिया हुआ है ऑलरेडी। खोलने के बाद इसको कवर को हम ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका हम चेक करेंगे कि इसके में जो पानी गिरा है। सबसे पहले तो आपने ये करना है, बैटरी को उतार के आपने बैटरी को निकाल लेना है। और ये इसकी SSD लगी हुई है, और ये इसकी बैटरी को भी हम सबसे पहले निकाल लेंगे। बैटरी को साइड पर रख देंगे, उसके बाद ये साइड पे इसका बोर्ड है। बैटरी के मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि बैटरी ये जो लगी है, बैटरी की जो 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रू लगे होंगे, इनको आप सबसे पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद कलेक्टर बैटरी को उतारेंगे, उतारने के बाद इस बैटरी को आराम से उठा के साइड पे कर लेंगे। और उसके बाद अब हम इस बोर्ड को निकालना है। बोर्ड को निकालने के लिए हम ये सबसे पहले ये स्पीकर की इसकी कनेक्टर हैं ये उतार देंगे, के बाद ये स्ट्रिप हम निकाल लेंगे। इस स्ट्रिप को भी, ये भी और ये स्ट्रिप भी निकाल लिया। और इस बोर्ड के व्यूवर ये स्क्रू लगे हुए जो मैंने ऑलरेडी खोले हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ था, 2, 3 और दूसरे ये छोटे फैन लगे हैं, छोटे फैन के साथ भी स्क्रू है। इसकी ये डिस्प्ले केबल लगी है। इस बोर्ड को हमने बाहर निकालना है, बाहर निकाल के इसको चेक करना है, लिक्विड इसके अंदर तक तो नहीं आया। तो उसको चेक करने के लिए हम इसकी ये केबल्स पहले सबसे पहले निकालेंगे। ये केबल निकाल ली, के बाद ये और ये फैन को हम बाहर निकाल लेंगे। फैन के स्क्रू 2 लगे होंगे, एक ये लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे होगा, वो हम निकाल के इसकी ये स्ट्रिप को भी निकाल लेंगे। निकाल के फैन को हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले इसका ये डिस्प्ले जैक लगा हुआ है, डिस्प्ले जैक को भी हम आराम से निकाल लेंगे। इसके नीचे एक ये स्क्रू लगा होगा, एक ये और एक ये, ये 3 स्क्रू इस फैन के हैं जो हमने ऑलरेडी निकाल लिए हुए हैं। इस फैन को भी निकाल लेंगे। उसके बाद इसका ये पावर ऑन ऑफ का स्क्रू लगा हुआ है, ये स्ट्रिप लगी है, इस स्ट्रिप को हम सबसे पहले निकाल लेंगे। ये हमने स्ट्रिप निकाल ली। उसके बाद इसकी ये एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसको भी हम निकाल लेंगे। आप व्यूवर्स, इसको निकालने के लिए आप ये देखें, एक साइड से आपने पहले इसको ऊपर लेके आना है, फिर इसको ऐसा से पीछे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद ये केबल लगी है, ये भी मैं निकाल लेता हूँ। और स्लाइड करने के बाद इसको इस तरफ मूव करेंगे तो आपका ये बोर्ड बाहर निकल आएगा। बोर्ड को हम चेक कर रहे हैं, चेक करने में इसमें देख रहे हैं लिक्विड इसमें कहीं गिरा तो नहीं है। लिक्विड आया है, लेकिन ये सिर्फ इस जगह तक आया है जो इस जाली के थ्रू इंटर हुआ है। इसका इतना मेन मसला नहीं है, सेफ है बोर्ड।
दूसरी तरफ से भी। तो बोर्ड पे देखने के बाद ये ज़ाहिर होता है कि बोर्ड पे लिक्विड इतना नहीं आया। बाकी हम लैपटॉप को चेक कर लेंगे, चेक करने का इतना लिक्विड का इंटरेस्ट इस पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस जाली की तरफ से आया था और ये माउस पैड, माउस पैड की तरफ थोड़ा सा आया था जो हमने साफ ऑलरेडी कर लिया हुआ है माउस पैड की तरफ। तो व्यूवर्स, ये इसका खोलने का इजीली तरीका है, ताकि अगर किसी के साथ कोई इशू हो तो आप ख़ुद भी इसको खोला जा सकता है, कि इतना इशू मेन नहीं है कि आप लोगों, एक तो ये स्लिम बहुत है, स्मार्ट है, बिल्कुल स्लिम सा है, जिस वजह से जो लोग हैं वो ज़रा इससे कतराते हैं कि यार ये बहुत स्लिम है, पता नहीं हम खोलेंगे ये डैमेज ना हो जाए या कुछ भी। पर इसको खोलने का सबसे ईजी तरीका ये है जो मैंने आपके साथ सभी। और व्यूवर दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ, क्योंकि इसका जो कीबोर्ड लगा हुआ, कीबोर्ड भी इसके साथ ये है फिक्स, इसके बहुत बारीक पेच लगे हुए, लेकिन कीबोर्ड को निकालने के लिए ये काफ़ी सारे स्क्रूज़ हैं जो हमें खोलने पड़ेंगे, खोलने के बाद ही कीबोर्ड को हम अलहदा कर सकते हैं। इस तरह मीनवाइल वो कीबोर्ड बाहर से या इसका लॉक इस तरह नहीं लगे होते कि उसको हम निकाल सकें। इसके ये स्क्रू आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू जब हम खोलेंगे, खोल के इस कीबोर्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको बंद करते हैं आपके सामने, ताकि आपको लोगों को भी पता चल सके कि कैसे क्लोज होगा इसको। सबसे पहले तो इस साइड से आप बिठाएं इसको, ये फैन को अंदर, जो हीट सिंक है, हीट सिंक को आपने स्लाइड देके अंदर करना पड़ेगा। केबलों को बाहर कर लें, केबलों को बाहर करने के बाद इसको थोड़ा सा बोर्ड को टेढ़ा करके इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये बोर्ड इस पर ये एक लॉक लगा होता है इसका साइड पे, इस लॉक को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लॉक की वजह से बोर्ड उठेगा नहीं यहाँ से, इसलिए इसको थोड़ा सा खम दे के हमने इस पर प्रेस कर दिया है। अब हम व्यूवर्स इस पर चीज़ें जो हमने उतारी थी वो हम स्टेप बाई स्टेप लगाएंगे। ये फ़ैन है, फ़ैन को हम सबसे पहले लगाएंगे, फ़ैन को लगा के इसके जो स्क्रू हैं स्क्रू हम लगा देंगे। लग गया उसके बाद इसके चेक को हम एक ही चेक का फैन का ही प्रेस करके हम लगाएंगे। उसके बाद ये दूसरा चेक है, ये लगा देंगे। लगाते वक्त ध्यान थोड़ा सा आपने करना है, चेक प्रॉपर तरीके से लगे। ये चेक लगा दिया हमने, ये चेक भी हमारा लग गया। के बाद इस केबल को हम अंदर कर देंगे इस साइड पे, ताकि ऊपर आए। और दूसरे वाईफाई कार्ड ये लगा हुआ है, वाईफाई कार्ड का पहले इन जैकों को इधर से गुजार के बड़े एहतियात के साथ लगाना है। उसके
उसके बाद ये दूसरा चेक है, ये भी लग गया हमारा। ये ऊपर हम स्टिकर लगा देंगे ताकि ये जैक बाहर ना निकल सके। ये वाली स्ट्रिप हम ये लगा दिया। दूसरा फैन सबसे पहले आप लगा लें, लगाने के बाद फिर इसके डिस्प्ले की जो एलसीडी की केबल है वो हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसकी ये स्क्रू हैं ये दो हम लगा लें। क्योंकि जब ये अगर डिस्प्ले की केबल आप पहले लगा देंगे फैन का ये वाला स्क्रू नहीं लगेगा। उसके बाद अब हम डिस्प्ले केबल लगाएंगे। हम नीचे बिठा देंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये पावर स्विच का स्ट्रिप है, इसको हम ये भी लग गया स्पीकर का और ये भी लग गया। उसके बाद ये कनेक्टर ये लगा दिया। हम ये कीबोर्ड का जैक है, कीबोर्ड का ये लगा लिया। फिर उसके बाद ये नम पैड है, ये भी लगा दिया। ये भी वो सारी ये एक दूसरे स्पीकर की ये भी पिन हमने लगा दी। ये सारे कनेक्टर हमारे लग चुके हैं, एक कनेक्टर ये बाकी रह गया। ये भी लग गया। अब उसके बाद ये हम चिपका देंगे, SSD हमारी यहाँ पे लगेगी। SSD लगा दी, SSD का पे कवर हम लगा देंगे।
हिला क्या बैटरी को हम लगाएंगे, बैटरी चेक कर, बैटरी चेक को भी हम सेट कर देंगे। क्यों हमने सारे लगा लिए हैं, उसके बाद हम बैक कवर को लगाएंगे। पॉज कर दें, ये सारा क्लोज हो चुका है। उसके बाद ये स्ट्रिप हमने यहाँ से उतारी थी, इसमें से ये कहाँ लगी हुई थी,
ये व्यूवर्स हो गए सारे। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि सम टाइम ये होता है कि आप काम कर रहे होते हैं, काम करने के साथ आपने पानी भी रखा होता है या फिर आपने चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह रखी होती है, तो अगर वो एकदम से कीबोर्ड के ऊपर गिर जाए या इस लैपटॉप के ऊपर गिर जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जस्ट मेरा ये खोलने और बंद करने का बताने का तरीका आपको यही था कि आप इसको एकदम से खोल के इसके बैटरी के जो जैक होता है वो उतार दें, ताकि आगे शॉर्ट सर्किट ना हो सके, जिस वजह से ये सेफ हो जाता है लैपटॉप। तो उसके लिए ये लैपटॉप का यही मसला था, इसके ऊपर जो है टी गिरी थी, जिस वजह से ये था कि लैपटॉप उस टाइम पे ऑफ कर दिया गया था, जो यूज़र है उन्होंने खुद ही कर दिया था, करके उसके बाद उन्होंने ये भेज दिया है कि इसको चेक कर लें। अब हमने खोला है, खोल के उसको चेक किया है, साफ़ सूफ किया अंदर से, जहाँ जहाँ से हमें डाउट था डाउट करने का, उसको साफ़ करने के बाद अब हम इसको ऑन करेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारा लैपटॉप जो है सेफ हो नहीं। उसके लिए ये है कि मैंने इस लैपटॉप को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा लेट आता है, टाइम लगाता है। ये डिस्प्ले हमारा आ चुका है, लैपटॉप ऑन हो गया है। तो व्यूवर्स, मेरा बताने का यही था मकसद कि इस तरह के लैपटॉप्स हैं जो सम टाइम ये है कि आप लोगों के साथ इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पावर का इशू हो जाता है या कुछ इस तरह का इशू हो जाता है। तो एक पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि पावर लैपटॉप चलते चलते ऑफ़ किया, ऑफ़ करके रख दिया, रखने के बाद दूसरे दिन आके जब वही लैपटॉप उठाया ऑन करने के लिए, तो ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं हो रहा था। तो लैपटॉप जिसका था वो ज़ारी बहुत परेशान हो गया था कि अब मेरा लैपटॉप, रात को मैंने ठीक ठाक इसको ऑफ़ करके रखा है और अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो उसका भी मैंने आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि उसकी जस्ट आपने क्या किया था कि उसको ओपन करके उसकी जो बीच में बैटरी लगी थी, बैटरी को आप निकाल के, प्लग इन होती है बैटरी, प्लग आउट करके उसके बाद दोबारा प्लग इन करके ऑन करें तो आपका लैपटॉप ऑन। सम टाइम ये होता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से बैटरी को डिस्चार्ज करने से करंट उसका जब डिसकनेक्ट होता है तो उसके बाद वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। तो अभी भी ये भी इसी तरह का इशू था, इस पर लिक्विड गिरा था, लिक्विड गिरने से ये है कि अंदर जहाँ जिस चीज़ लोकेशन पे लिक्विड था उसको हमने साफ़ करके दोबारा से उसको ज़रा चेक करके ड्राई करके दोबारा से हमने इसको लगा के चेक किया और ये हमारा लैपटॉप ये भी सेफ है। तो व्यूवर्स, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और किसी किस्म का आप लोगों के साथ कोई इशू आए तो मैं नंबर आप मेरी कई वीडियोज़ पर मैं नीचे वो दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उस नंबर को चेक नंबर को लेके आप मुझे कॉल कर सकें, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकें और किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकें, या फिर नीचे कमेंट्स में आप अपना फॉल्ट मेरे साथ शेयर करें। जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं अपने व्यूवर्स को उसका आंसर देता हूं और उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन होता है वो मैं बताता हूं। और इसके अलावा नंबर जो है मेरा, अगर आप वैसे नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे भी बताता हूं, 0300-526-8244। बाकी ये स्लाइड में भी मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग उन पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि मुझे अपनी शेयर मिले और मैं आगे और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ओके, खुदा हाफिज़।